को लेकर के कितनी गंभीर और संवेदनशील है। इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी है, एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज और डीआईजी प्रयागराज, इन चार अधिकारियों की पूरी कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले के हर छोटे से छोटे पहलू पर पूरी निगाह रखेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा हर तरह के साक्ष्य जुटाए जा सकें, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लापरवाही न रह जाए, इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पैनल पोस्टमार्टम हो इस पूरे मामले में, हर पहलू की जांच करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं आश्वस्त करूंगा सभी श्रद्धालुओं से, सभी जुड़े हुए भक्तों से, क्योंकि हम सब स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं खुद उनसे एक दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी और लगभग एक घंटे तक मैंने उनके साथ संवाद किया था। यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अब महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। यह घटना सबको हिला गई है, सब भावुक है और भावुकता में कई बार बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं उन सबसे अपील करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वही विश्वास रखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं होने देगी। जो भी तथ्य है, जो भी सत्य है, वो सबके सामने निकल करके आएगा और जो लोग भी इसके पीछे दोषी हैं उनको पूरी कठोरता से कानून के द्वारा दंडित करने का काम किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, न केवल हिंदू समाज की बल्कि पूरे भारत के समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि मैंने जब संवाद उनसे अंतिम बार किया है, एक दिन पहले ही मैं आपके चैनल के कार्यक्रम में ही वहां गया था और मेरा उनसे जब संवाद हुआ, उनके मन में कितनी गहरी पीड़ा थी। उन्होंने इस बात को कहा कि पिछड़े और दलित वंचित समाज के लोगों को इस संन्यास परंपरा में लाने के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए दरवाजे खोले कि जो दलित बिरादरी है, वंचित बिरादरी है, पिछड़ी बिरादरी है, उसके लोग भी संन्यास परंपरा में आगे आवे, वो भी दीक्षित हो। मैं मानता हूं कई बड़े उन्होंने प्रयोग किए हैं, कई बड़े उन्होंने प्रयास किए हैं जो इस पूरी संन्यास परंपरा को आगे लेकर के जाती है, इस अखाड़ा की व्यवस्था को आगे लेकर के जाती है। उनका निधन, उनका देहावसान ये एक बड़ी क्षति है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो तमाम राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखते थे, कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। सरकार किसी पार्टी की रही हो, उत्तर प्रदेश में वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल के नेता, चाहे सरकारें रही हो, वरिष्ठ अधिकारी रहे हो, प्रयागराज का कुंभ किसी कोई भूल सकता है उनके योगदान को कि उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है? आज बहुत सारी बातें उनकी याद आ रही है आज उनके न रहने पर, और जिस तरह का ये नोट में देख पा रहा हूँ, ये हिला देने वाला है, बहुत पीड़ा में डालने वाला है कि उनके उन्होंने।